नमस्कार, आपकी कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के अपने प्रथम अध्याय का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, आपका प्रथम अध्याय का नाम है हजार वर्षों में हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा है कि हमने जो ईसा पूर्व का काल था, बाद में ईसवी सन का आया, उसके मध्य बहुत प्रकार के राजा आए, चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, इस प्रकार के बहुत से राजा आए, अंत में हर्षवर्धन जो सम्राट था, शासक था। तो उसके अंतर्गत या उसके पश्चात जो इतने सालों में परिवर्तन आए थे, वो किस किस प्रकार के परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों के बारे में अपने एक बेसिक क्या है फीडबैक लेंगे कि हाँ, हमने ये इन चीज़ों के परिवर्तन को समझा है। उसके बाद अपने इस क्लास के आगे के अध्याय पढ़ेंगे जिनमें अपने 700 ईस्वी से के सन के आगे का इतिहास पढ़ेंगे, जिनमें मुस्लिम राजा आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं भारत में। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर है आपका, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद बुक के द्वारा इसको पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो हैं वो अपनी नोटबुक में करिएगा। तो देखिए, अपने देखते हैं अपने अध्याय का पहला पॉइंट है मानचित्र एवं मानचित्रकार। क्या होता है मानचित्र और मानचित्रकार? देखिए, मानचित्र का मतलब है किसी चीज़ या स्थान का माना हुआ एक चित्र। जैसे पूरी पृथ्वी है, उसका एक चित्र, मानक चित्र हमने ले लिया कि हाँ भाई, इस प्रकार की पृथ्वी है, देशों की सीमाएं इस प्रकार की हैं, कहाँ समुंदर है, कहाँ कौन सा देश है, वो मानचित्र है। और उसको बनाने वाला कौन है? मानचित्रकार है, जिसने उसको मानचित्र को बनाया है। तो टेक्नोलॉजी के कारण आजकल जो सैटेलाइट वगैरह हैं, उनसे बिल्कुल स्टीक मानचित्र या मैप जो हैं उनका हमें क्या है अध्ययन करने को मिलता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब लोग अपने अनुभव के आधार पर उन मानचित्रों का वर्णन करते थे या उनको बनाते थे, जैसे कि 12वीं सदी में भूगोलवेत्ता था अल-इदरिसी, उसने क्या है दुनिया का नक्शा बनाया था। और उस नक्शे में क्या है, आप अपनी बुक में देखोगे तो वो नक्शा जैसे आजकल अपने देखते हैं नॉर्थ के हिसाब से, नॉर्थ लेकर नहीं बनाया गया था। उसने क्या है, जिस प्रकार से उसने अनुभव किया उसी प्रकार से उसको बना दिया, यानी उसकी यात्रा का जैसा वृतांत था उसके आधार पर उसने उन नक्शों को बना दिया। तो इस चैप्टर में अपने देखते हैं ये जो मैप है वो क्या है, भारत का दक्षिणी हिस्सा दिखाया गया है, न कि ऊपर का हिस्सा है ये। तो नेक्स्ट, ये जो मैप बनाया था अल-इदरिसी ने, वो कब बनाया था? 1154 में। तो इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे मानचित्र की जो टेक्नोलॉजी है उसमें धीरे धीरे विकास होता रहा और मानचित्रकार यानी मानचित्र को बनाने वाले वो उसमें सुधार करते रहे। इसी तरह क्या है, अपने और देशों के जो इतिहासकार थे या भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी क्या है कई प्रकार के मानचित्र बनाए। जैसे फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने नक्शे बनाए हैं, वो उनके फ्रांस के या जो यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने नक्शे बनाए हैं वो ज़्यादातर क्या है तटीय इलाके के बारे में वर्णन करते हैं भारत के, वो तटीय इलाके का विस्तार से वर्णन करके उसको समझाते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा लगभग समुद्रों से होती थी और वो समुद्रों से के द्वारा क्या है उसी स्थान का अनुभव करते थे और उस यात्रा के अनुभव के आधार पर वो उसकी सटीक जानकारी या अपने नक्शे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना नई और पुरानी शब्दावली। देखो भाई, समय के साथ साथ भाषा में अंतर या भाषा में चेंजेस आते रहते हैं, अपने भाषा के यूज करने का तरीका बदलते रहते हैं। जैसे पहले क्या है, वर्ड्स जो हैं उनका पूरा यूज होता था, आजकल शॉर्ट फॉर्म्स का यूज होता है। उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, गुड मॉर्निंग को लोग GM लिख कर भेज देते हैं, गुड नाइट को GN लिख कर भेज देते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स का आजकल इस्तेमाल होने लगा है, यानी क्या है, ये भी क्या है शब्दों में क्या है परिवर्तन आया है, या शब्दावली में क्या है परिवर्तन आया है। इसी तरह क्या है, पुरानी जो फारसी भाषा थी वो आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल अलग है। या उदाहरण के लिए अपने देखते हैं कि हिंदुस्तान देश है, इसको किसी समय में क्या है भारत से के नाम से संबोधित किया जाता था,
बाद में क्या है इसको अलग अलग नामों से संबोधित होने लगा है। ये जैसे इंडिया इसका नाम आ गया है, तो स्थानों के नाम भी में भी क्या है परिवर्तन है, आया है। तो इस प्रकार से स्थानों के नाम से में या भाषा के जो प्रयोग है या भाषा का जो साधारण बोलचाल के लिए प्रयोग होता है उसमें भी लगातार परिवर्तन आता रहा है। ठीक है, जैसे इसको ही बाद में जब अंग्रेज़ों ने भारत पर आधिपत्य कर लिया तो इंडिया कहा जाने लगा। उससे पहले ऋग्वेद काल में इसको अपने भारत कहते थे। उसके बाद जब मुस्लिम जो यात्री हैं वो आने लगे थे तो वो उनको क्या है हिंदुस्तान कहने लगे थे। जैसे कि मिन्हाज ए सिराज ने क्या है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, तो उन्होंने क्या है इसके लिए हिंदुस्तान का, मिन्हाज ए सिराज नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसके लिए क्या है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था भारत के लिए। अंग्रेज़ों ने इंडस जो नदी है अपनी सिंधु नदी है उसके आधार पर इसको क्या है इंडिया कहा था। अब इसका एक और भी कारण है कि जैसे पहले भारत में क्या है सिर्फ संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, धीरे धीरे प्राकृत भाषा या उस समय संस्कृत के समकालीन क्या है तमिल भाषा का प्रयोग होता था, प्राकृत भाषा या फिर क्या है देवनागरी लिपि से निकली हुई हिंदी भाषा का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब इन्हीं भाषाओं में क्या है फारसी लोग यहाँ आए, यूनानी लोग या अंग्रेज, यानी जिस जिस स्थानों से लोग आते रहे उनकी भाषा उनकी बोलचाल के जो शब्द थे वो भी क्या है एक दूसरे की भाषाओं में क्या है मिलने लगे घुलने मिलने लगे। जैसे आजकल अपने देखते हैं बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में क्या है एक ही अर्थ लिए होते हैं, या बहुत से इन भाषाओं के शब्द भी हैं उर्दू भाषा के सब बहुत से शब्द क्या हैं हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी के बहुत से शब्द अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये क्या है समय के साथ यानी हजार वर्षों में क्या है ये जो यात्राएं होती रही थी या अलग अलग स्थानों से लोग एक दूसरे से क्या है मिलते थे तो उनकी भाषाओं का क्या है आदान प्रदान होता था, जिससे क्या है ये जो शब्दावली है वो पुरानी चेंज होती रही समय के साथ साथ है और नए शब्द क्या है ऑटोमेटिक भाषाओं में प्रयोग किए जाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इतिहास एवं उनके स्रोत। तो जैसे कि आपने सिक्स क्लास में क्या है पढ़ा था जो इतिहासकार या पुरातत्वविद जो होते हैं बताया गया था पुराने समय के तत्वों के विद्वान या पुरानी जो वस्तुएं हैं उनके विज्ञान उनके आधार उनकी सन यानी सभी चीज़ों के बारे में उनके बारे में वर्णन करने वाले उनका ज्ञान रखने वाले विद्वान क्या है पुरातत्वविद, इतिहास को बनाने वाले क्या है इतिहासकार। तो वो इतिहासकार जो थे उन्होंने क्या इतिहास की रचना की और उनके स्रोत क्या क्या थे इतिहास को तैयार करने के लिए या ऐतिहासिक चीज़ों का पता लगाने के लिए उनके पास स्रोत क्या क्या थे सोर्सेज क्या क्या थे। तो सबसे पहले स्रोत आता है पांडुलिपि या पुराने साहित्यिक ग्रंथ जैसे कि वेद हैं अपने वेदांग हैं, ठीक है उपनिषद हैं। तो साहित्यिक जो ग्रंथ थे वेद वेदांग उपनिषद पांडुलिपियाँ इन सभी के द्वारा उन्होंने पता लगाया। इसके अलावा स्रोत क्या क्या हैं उनके पास अभिलेख हैं जो अभिलेख पुराने समय में लिखे हुए मिलते हैं उनको दस्तावेज मतलब चाहे पत्थरों पे हो सकता है भवन निर्माण करवाते समय उनकी दीवारों पे लिखवाया गया हो चाहे धातुओं के लिखे हुए अभिलेख हों उन अभिलेखों के द्वारा भी क्या है
इतिहासकार उनका पता लगाते हैं और उसके आधार पर वर्णन करते हैं। इसके अलावा उस समय की स्थापत्य कला के आधार पर, यानी भवन निर्माण कला कैसी थी उस समय की, भवन निर्माण कला किस प्रकार से, भवन मंदिर या जो भी इमारतें हैं वो किस प्रकार से बनाई जाती थी, उस काल के सिक्के, उस काल का वर्णन करते हैं कि वो किस प्रकार का धनी युग था या फिर राजा किस प्रकार का था, उस चीज़ों का वर्णन क्या है सिक्कों में से, अभिलेखों से, या वहाँ के भवन निर्माण से, उस समय के साहित्य के ग्रंथों से, इनके द्वारा पता चलता है। इसके अलावा जैसे अपने देखते हैं कि जब मुस्लिम शासक यहाँ आने लगे, या उससे पहले के जो शासक थे जैसे अशोक है या चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके क्या है खुद के शासकों के क्या वृतांत या इनकी जो जीवनी होती थी, जीवन की कहानी होती थी, उसको भी क्या है वो अपने इतिहासकारों के द्वारा या लेखकों के द्वारा उसको लिखवा कर रखते थे। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वो विस्तार से वर्णन करते थे। जैसे अपने देखते हैं चाणक्य की जो अर्थशास्त्र नामक किताब है, उस में क्या है मगध के प्रशासन का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। उसी प्रकार से उस समय के मैक्सथनीज जो था उसने भी, या फिर अपने मुस्लिम शासक आने के बाद जो बाबर है या हुमायूं है, उन्होंने भी क्या है अपनी जीवनी को लिखवाया था। तो इस प्रकार से इतिहासकार जो हैं वो इन स्रोतों का इस्तेमाल कर कर क्या है उस समय के में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन क्या है करते हैं, जिसके आधार पर अपने को टाइम टू टाइम जो चेंजेस आए थे दुनिया में उनका पता लगता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है नए सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन। जैसा कि हमने पढ़ा है सिक्स क्लास में, लगभग 700 ईसा पूर्व तक का इतिहास पढ़ा है, उस दौरान आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर या अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं उसने आक्रमण किया था जो पोरस राजा के साथ जिसका युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। इसके अलावा बहुत से प्रकार के क्या है जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो भी क्या है यहाँ पर आकर किन्हीं क्षेत्रों को जीत लेते थे, या उस समय चोल, राष्ट्रकूट, पांडे, ये इस प्रकार के जो शासक वर्ग थे वो भी उस समय विद्यमान थे। लेकिन जब अब नए जो परिवर्तन आ रहे थे उस समय क्या है प्रौद्योगिकी बढ़ चुकी थी, सिंचाई या कताई के लिए चरखे आ चुके थे, सिंचाई के लिए रहट का सिस्टम हो चुका था, युद्ध में क्या है बारूद या उसके बारूद से बने हुए हथियारों का प्रयोग होने लगा था। जैसे कि अब हमने सुना है कि बाबर जो था वो अपने साथ क्या है बहुत सारी तोपें लेके आया था युद्ध करने के लिए भारत में, तो बारूद से बने हुए जो हथियार थे उनका इस्तेमाल होने लगा था। ये 700 ईस्वी के बाद तो क्या है मोहम्मद कासिम या इल्तुतमिश, ये इस प्रकार के शासकों का राज रहा है, तो इन्होंने भी क्या है अलग अलग प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल किया युद्ध जीतने के लिए। तो ये क्या है राजनीतिक परिवर्तन आ चुका था, जहाँ कब किसी समय में सिर्फ बौद्ध या जैन धर्म को मानने वाले या हिंदू धर्म को मानने वाले शासक ही भारत पर शासन किया करते थे उस, लेकिन अब क्या है राजनीतिक परिवर्तन आने लगा था। अब यहाँ राजपूतों का और मुस्लिम शासकों का क्या है प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। थोड़े समय बाद जब अपने देखते हैं अंग्रेज़ों के आने के समय के लगभग मराठा जो लोग शासक वर्ग है उनका भी प्रभुत्व क्या है दक्षिणी भारत में और यहाँ तक कि उत्तर भारत तक क्या है उनका प्रभुत्व फैलता रहा। तो क्या है ये राजनीतिक परिवर्तन क्या है बहुत टाइम टू टाइम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या है चलते रहे, हज़ारों सालों में, ये हज़ार सालों में क्या है बहुत प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन आए। जैसे राष्ट्र अंतिम शासक जो था जिनको क्या है अंतिम तो नहीं है लेकिन ये हिंदू
राष्ट्र के रूप में जो भारत था उसमें अंतिम शासक कौन था, हर्षवर्धन था। उसके बाद क्या है, मुस्लिम शासकों का आना लगातार जारी रहा, और फिर मुस्लिम शासकों के बाद क्या है, अंग्रेज यहाँ पर शासन करने के लिए आए। तो क्या है, ये राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है कि किसी समय में इस प्रकार के शासक शासन किया करते थे, ये दूसरा राजनीतिक परिवर्तन हो गया, ये तीसरा राजनीतिक परिवर्तन हो गया, और इन शासकों के आधार पर ही क्या है समाज में भी परिवर्तन आया, क्योंकि ये अपनी संस्कृति, जो नए नए शासक आए थे वो अपनी संस्कृति लेकर आए थे, उन संस्कृतियों के घुलने के कारण, घुल मिलने के कारण यहाँ के समाज में भी क्या है लगातार परिवर्तन आया। जैसे पहले मुस्लिम नहीं थे, लेकिन मुस्लिम शासकों के आने के बाद मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती गई, या मुस्लिम लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, ठीक है, या फिर क्या है अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज या और कई प्रकार के धर्मों के लोग यहाँ पर आकर इस समाज में घुल मिल गए, तो वो अब क्या है इस समाज का ही हिस्सा बन चुके हैं, और अब हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी दूसरे स्थान से आए थे। या इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि खान पान में भी परिवर्तन आया, जो समाज था उसके खान पान में। उस समय तक आलू, मक्का, मिर्च, चाय या कॉफ़ी या इस प्रकार के जो खान पान हैं, पीने की चीज़ें हैं, उनमें भी क्या है परिवर्तन आने लगे थे। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो है क्षेत्र एवं साम्राज्य। तो जस्ट ऊपर वाला जो टॉपिक है उसके आधार पर ही है ये, कि जो साम्राज्य है भारत का वो किसी समय में क्या है एकजुट, या चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने उसको क्या है एक भारत बना दिया था, अखंड भारत का निर्माण किया था उन्होंने। वही क्या है अब लगातार टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में भारत का जो साम्राज्य है, वो क्षेत्र या साम्राज्य जो है भारत का, वो लगातार टूट टूट कर क्या है अब बंटने लगा था, और छोटे छोटे हिस्सों में क्या है टुकड़ों के रूप में वह विभाजित हो चुका था। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये जो हमारे क्षेत्र थे उस समय भारत के ही अंग थे, इनमें या दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में क्या है बहुत से प्रकार के शासन वर्ग या शासक वर्ग यहाँ पर आकर रहने लगे थे। जैसा कि अपने देखते हैं कि दिल्ली में भी क्या है सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन का साम्राज्य बढ़ा, तो उन्होंने भी क्या है अपने हिसाब से अपने परिवारवाद का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के लोगों को अलग अलग जगह का शासन सौंपा। या जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर भी क्या है अलग अलग प्रकार के शासक वंश यहाँ राज करने लगे थे। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे कि अपने देखते हैं बंगाल में गोड शासक है, या अफगानिस्तान में गजनी वर्ग का शासन है, दक्षिणी भारत में द्रविड़ लोगों का शासन है, तो ये गोड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग क्षेत्रों में क्या है उनकी सेनाएँ आगे जाकर क्या है लगातार इन साम्राज्य के क्षेत्रों में क्या है परिवर्तन आते रहे। या इसके अलावा क्या है कई प्रकार के लोग या कई प्रकार के राजवंश क्या है पलायन कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है बढ़ते रहे, और वो क्या है कई राजाओं ने क्या है अपने क्षेत्राधिकार को या साम्राज्य को पूर्ण रूप से विस्तार किया उसका, और धीरे धीरे क्या है अपने जो अधिकार क्षेत्र था साम्राज्य का उसमें बढ़ावा किया। उसके बाद देखते हैं अपने नए तथा पुराने धर्म, इसका भी हमने इस टॉपिक में वन जो क्या है पढ़ा था, कि जैसे कि मैंने बताया था कि प्रारंभ में भारत में क्या है हिंदू या वैदिक धर्म था, उसके बाद जैन धर्म महावीर जैन के द्वारा, उसके बाद बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा, उसके बाद आगमन होता है मुस्लिम धर्म का, उसके बाद पारसी लोग आए, या सिख धर्म का भी क्या है उद्भव होता है। तो इस प्रकार से क्या है जब एक समय था जब भारत में क्या है सिर्फ इन तीन धर्मों का ही क्या है राज था, या तीन कह सकते हैं कि तीन धर्म भारत के इस संस्कृति में या समाज में मौजूद थे, लेकिन अब क्या है जो परिवर्तन हो रहा है इतने सालों में, उस परिवर्तन का एक ये भी हिस्सा है कि अब नए नए धर्म जो है वो भी आने लगे थे। अंग्रेज़ों के साथ ईसाई धर्म
भारत में पहुंचा, मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके साथ मुस्लिम धर्म भारत में पहुंचा, पारसी लोग जो ईरान से जिनको मुस्लिमों ने भगा दिया था वो भारत में आकर उन्होंने शरण ली, गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म का क्या है शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से क्या है नए धर्मों को भी क्या है विकास होने लगा। इसके साथ साथ ही क्या है इन धर्मों में भी क्या है परिवर्तन होने लगा था। जैसे शुरुआत के वैदिक धर्म का स्वरूप कुछ अलग था लेकिन बाद में इसमें भी परिवर्तन आए। शुरुआत में इसमें कर्म के आधार पर जाति मानी जाती थी, कर्म के आधार पर जाति मानी जाती थी, लेकिन बाद में क्या है परिवर्तन हुआ और जन्म के आधार पर जाति मानी जाने लगी। जो कर्मकांड करते थे या फिर जो क्या है वेदों का उच्चारण करते थे, वेदों का प्रचार प्रसार करते थे, वेदों के संरक्षक माने जाते थे, वो ब्राह्मण हो गए। जो क्या है इस क्षेत्र विशेष की रक्षा करने का क्या है जिम्मा उठाते हैं या फिर उस क्षेत्र विशेष की रक्षा करने का कार्य करते हैं वो स्तरीय हो गए, व्यापारी वैश्य और जो छोटे मोटे काम करने वाले थे वो क्या है शैव वर्ग में कहलाने लगे, शूद्र वर्ग में कहलाने लगे। तो इस प्रकार से इसमें भी परिवर्तन आया, लोगों के पूजा पाठ करने में भी परिवर्तन आने लगा। जो पहले कभी यज्ञ के द्वारा पूजा वगैरह जो संपन्न की जाती थी उसमें भी परिवर्तन आने लगा था। अब क्या है जो समय धर्म है या पूजा पाठ करने का तरीका है या पूजा पाठ करने का उद्देश्य व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक हो गया था। यानी अब धर्म को क्या है एकता के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था कि हाँ भाई एक धर्म है तो उसका एक समाज है, इस आधार पर उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने आगमन के बाद हिंदू धर्म से क्या है हिंदू धर्म विचारकों ने उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया और इन धर्मों ने क्या है जाति पाति का अंत करने का प्रयास किया, सभी को बराबर समान नज़र से देखा गया। उसके बाद मुस्लिम धर्म का आवागमन होता है और इसमें भी क्या है भारत की संस्कृति को क्या है ग्रहण किया और इसके भी पूजा पाठ या फिर जो इनके जो भी तरीके होते हैं उसमें भी क्या है थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। पारसी लोग यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए, यहाँ के हिसाब से रहने लगे। सिख धर्म जो क्या है एक तरह से भारत का ही एक नया धर्म था तो उसमें भी क्या है समय के साथ साथ बहुत से प्रकार के परिवर्तन आए। तो इन धर्मों में क्या है धर्म भी बदलते रहे लोगों के साथ ही साथ धर्मों के अंदर स्वयं के अंदर परिवर्तन आए, उनके पूजा पाठ करने का, उनके विचारों का, उनके नियमों का, ठीक है, तो उनकी साधना करने का तरीके में। तो इस प्रकार से धार्मिक रूप से भी क्या है परिवर्तन आए गए थे। उसके बाद है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। कालखंडों को बांटने का देखें तो आसान तरीके से अपने बांट सकते हैं कि जो शासक यहाँ पर आए थे उनके हिसाब से शासकों के आधार पर क्या है अपने इसके कालखंड को बांटते हैं, धर्म के आधार पर इसको के कालखंड को बांट सकते हैं। जैसे पहले यहाँ के शासक सिर्फ हिंदू हुआ करते थे, उसके बाद यहाँ के शासक कौन बने मुस्लिम बने, फिर यहाँ के शासक क्या है शासन की सत्ता जो है वो ब्रिटिश के पास चली गई। तो एक आधार पर क्या है अपने को इतिहास का कालखंड इस प्रकार से बांट सकते हैं कि हिंदू राजाओं का कालखंड क्या था उस आधार पर वो इतिहास का एक भाग हो गया, मुस्लिम राजाओं का कालखंड था वो इतिहास क्या है इतिहास के कालखंड के हिसाब से दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। या इसके अलावा इस ऐसे भी बांट सकते हैं कि प्राचीन कालखंड या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक कालीन इतिहास, भारत का प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन या आधुनिक कालीन इतिहास। तो इन कालखंडों के आधार पर भी क्या है बांटा जा सकता है। हमने हिंदू शासकों के बारे में यह कह सकते हो भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है उसके बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में अपने इन चैप्टर में जो 7वीं कक्षा के आपके इतिहास के विषय हैं या चैप्टर जो लगे हैं उनके अंदर इनके बारे में अपने बातचीत करेंगे या इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके क्या है
इन कालखंडों के बारे में क्या है लगातार अपने जो जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनके हिसाब से आगे के जो कालखंड है 700 से आगे के 1750 जो भी है आपकी पुस्तक में जो भी कालखंड का वर्णन किया गया है उसके बारे में अपने लगातार पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अब पढ़ के देखना है, दूसरा इसके प्रश्न उत्तरों को ढूंढना है और अपने नोटबुक में उनको नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने सेकंड चैप्टर के बारे में समझेंगे। अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत रह गई हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स फ्रीली यूज कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।